दोस्तों, काफी टाइम से मेरे पास ये वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी। आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, कंपेयर करने वाला हूँ एक्सिस स्मॉल कैप फंड को एसबीआई स्मॉल कैप से, क्वांट स्मॉल कैप से, निपन इंडिया स्मॉल कैप से, कैनरा और बैंको स्मॉल कैप से। तो हम देखेंगे कि इन फंड्स ने कैसी कंसिस्टेंसी है रिटर्न की, इनकी रिस्क रेशियोज कैसी है, इनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कैसा है, और साथ साथ इनकी एक्सपेंस रेशियो कैसी है, और इन्होंने ओवरऑल क्या अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया। और उसके बाद हम निकालने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर को किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क रहना चाहिए। और साथ साथ आप अगर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एटलीस्ट 8 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें स्मॉल कैप पे। अब दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात चली रही है, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये बुक आपको समझाती है कि कैसे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी अपनाकर। और अच्छी बात क्या है कि आपको इस बुक को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इस बुक की समरी को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इसकी जो अगर आप रेटिंग की बात करेंगे ऐप की, तो 4.5 प्लस रेटिंग इसकी ऐप की है, और इस ऐप में 4000 प्लस ऑडियो शोज लाइब्रेरी है नॉन फिक्शनल कैटेगरी की। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आप ये बुक रीजनल लैंग्वेज में भी अपनी सुन सकते हैं, तो आपकी रीजनल लैंग्वेज कोई भी है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, आप किसी भी लैंग्वेज में ये बुक यहां पर सुन सकते हैं। और दोस्तों, सिंस ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड है कुकू एफएम के द्वारा, तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सिर्फ 199 रुपीज में आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे दिया, आप जाकर डाउनलोड करें और ऑडियो बुक सुनना शुरू करें। अब आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं कि इन सभी म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड है जो सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। तो दोस्तों, अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जिनकी जनरली काफी ज्यादा लोग मेरे से इंक्वायरी करते हैं कि कैसा म्यूचुअल फंड है, इनमें से कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, इन 6 स्मॉल कैप फंड्स की मैंने यहाँ पर जितना भी डेटा है वो यहाँ पर डाल लिया। यहाँ पर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन या फिर कंपनी एलोकेशन जैसी चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सारा क्वांटिटेटिव डेटा पे बात कर रहे हैं। बाकी इन सभी फंड्स की इंडिविजुअल वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं अगर आपको किसी भी फंड के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि इन 6 फंड्स में से वो कौन से 2-3 फंड्स हैं जो इस मार्केट कंडीशन में भी आपको एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बनाकर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये लगभग 9,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। उसके अलावा SBI स्मॉल कैप का 12,000 करोड़, कोटक स्मॉल कैप का 7,000 करोड़, और इनमें से सबसे कम जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो क्वांट स्मॉल कैप का है 1600 करोड़ के पास, और सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो निपन इंडिया स्मॉल कैप का है 18,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट निपन इंडिया स्मॉल कैप का हो चुका है। कैनरा बैंको स्मॉल कैप कंपैरेटिवली काफ़ी नया फंड है, लगभग 3-4 साल ही इस फंड को हुए हैं, तो इसलिए उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अभी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में सबसे अच्छा जो यहाँ पर दिखता है क्वांट स्मॉल कैप दिखता है, और सबसे ज्यादा जिसका है वो है निपन इंडिया स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप फंड्स में दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक लिमिटेड पैसा ही होता है जो हम स्मॉल कैप कंपनीज में अपना लगा सकते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फंड के लिए मुश्किल हो जाता है ये ज्यादा पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना। तो अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं एक्सपेंस रेशो में, तो एक्सपेंस रेशो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सिस स्मॉल कैप की अच्छी दिखती है 0.48 के आसपास, कोटक स्मॉल कैप की, क्वांट स्मॉल कैप की और कैनरा और बैंको स्मॉल कैप की, इन 3-4 फंड्स की अच्छी यहाँ पर एक्सपेंस रेशो देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम दोस्तों यहाँ पर रिटर्न्स की बात करते हैं, तो सबसे यहाँ पर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे, देखिए पिछले 1 साल में मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स मोस्टली इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो फंड्स आपको सिलेक्ट करना जो इस मौके पर भी आपको एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे पा रहे हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लगाने का हमारा बेनिफिट यही होता है कि जब मार्केट गिरे तो वो जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं वो हमारे पैसे पे रिटर्न्स कमा पाए। तो 6 महीने में अगर आप देखेंगे दोस्तों, सभी फंड्स की जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव दिखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स जो दिए हैं वो क्वांट स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप फंड ने दिए। यानी कि ये 2 फंड्स ऐसे हैं जो इस गिरती मार्केट में
ज्यादा गिर रहे हैं अगर आप और फंड से कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम एक साल की रिटर्न यहां पर देखते हैं तो सबसे कम रिटर्न पिछले एक साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिए, सिर्फ 2% की रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले एक साल में जनरेट करके दी है। और दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी क्वांट स्मॉल कैप के बारे में बार बार बात करते हुए आ रहे हैं, तब मैं आपको यही चीज हमेशा समझाते हुए आ रहा था कि ये फंड्स जो हैं, क्वांट के जितने भी फंड्स हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के, ये ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स हैं। तो जब बुल मार्केट अपने पीक पर थी तो उसने बहुत अच्छी रिटर्न्स उस वक्त दी, लेकिन जैसे ही वो यूफोरिया कम होने लगा, इस फंड्स की रिटर्न भी आप देखेंगे अपनी एवरेज कैटेगरी जो बाकी फंड्स दिखते हैं उनसे काफी कम है। सबसे अच्छी रिटर्न कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप में दिखती है एक साल में 11% की, 18% की, और उसके अलावा निपन इंडिया स्मॉल कैप की भी 11% के आसपास की रिटर्न है। पांच सालों में देखेंगे तो लगभग इन पांचों ही फंड्स ने एक जैसी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिए, 17 से 19% के आसपास की रिटर्न इन सभी फंड्स ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप कंपैरेटिवली एक नया फंड है, तो वहां पर पांच सालों की रिटर्न आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो पांच सालों में ये फंड्स लगभग सेम है, लेकिन अगर आप एक साल में और 6 महीने में देखेंगे तो कोटक स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप जो रिटर्न है वो काफी कम अभी होती हुई नजर आ रही है। ईयर ऑन ईयर दोस्तों रिटर्न देख लेते हैं, तो यहां पर कंसिस्टेंसी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आप ईयरली रिटर्न को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप को देखें तो 2021 में 59% की रिटर्न, 20 में 25%, 19 में 20%, 18 में नेगेटिव रिटर्न्स थी और 2017 में 40% के आसपास की रिटर्न थी। तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी इस फंड में, लगातार एक लेवल पे ये रिटर्न्स जनरेट करने में सक्सेसफुल हो पा रहा है। SBI स्मॉल कैप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 21 में 45% की, 20 में 35% की, 19 में 7% की, 18 में -19% की, 2017 में 80% की रिटर्न थी। तो यहां पर कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, यहां पर भी वही केस दिखता है कि 2017 में एक बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने जनरेट की थी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इसकी रिटर्न्स है वो अच्छी दिखती है। नहीं तो आप देखिए यहां पर 18 में -19% की रिटर्न थी, फिर 19 में 7% की, तो कंसिस्टेंसी इस फंड में यहां पर थोड़ी कम दिखती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर कोटक स्मॉल कैप की, तो इसके साथ भी यही है कि एक साल में 70% की रिटर्न, 36% की, लेकिन उसके बाद 6% नेगेटिव, 16%। तो कंसिस्टेंसी SBI स्मॉल कैप से डेफिनेटली बेटर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली कम आपको देखने को मिलती है। सबसे खराब अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो वहां पर नाम यहां पर आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। जैसे कि हम बार बार इस फंड के बारे में बात करते हुए हैं, 2021 और 2020 में इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, 88% की रिटर्न, 75% की रिटर्न, लेकिन उससे पहले के तीन साल अगर आप देखेंगे -24%, 1%, 2%, और अभी भी पिछले एक साल में आप देखेंगे 2% के आसपास की रिटर्न है। तो कंसिस्टेंसी जो इस फंड की हमेशा से एक कंसर्न था वो अभी भी देखने को मिल रहा है। जहां 2021 में 88% की रिटर्न थी, वहीं इस साल के 6 महीने में ये -11% की रिटर्न यहां पर दे रहा है। तो यहां पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। वहीं निपन इंडिया स्मॉल कैप में भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहां पर भी आपको फिर भी कंपेरेटिवली ठीक कंसिस्टेंसी दिखती है अगर आप क्वांट स्मॉल कैप से इसको कंपेयर करते हैं। वहीं हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की अभी कंसिस्टेंसी पे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली नया फंड है, सिर्फ 3 सालों की ही रिटर्न्स हमारे पास यहां पर मौजूद है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बोल पाना कि लॉन्ग टर्म में कैसी कंसिस्टेंसी है अभी इस फंड के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अगर ईयरली कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहां पर डेफिनेटली एक्सिस स्मॉल कैप सबसे अच्छी फंड यहां पर दिखता है, क्योंकि इसने हर साल अच्छी रिटर्न दी और अभी भी एक साल में 12% के आसपास की रिटर्न ये फंड जनरेट कर पा रहे हैं। तो अभी भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक अच्छी रिटर्न्स कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट करते हुए दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोटक स्मॉल कैप कंपैरेटिवली ठीक कंसिस्टेंसी वाला फंड यहां पर दिखता है अगर आप बाकी फंड से कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट कैप एलोकेशन की, जिससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि ये सेम रिटर्न्स जनरेट करने के लिए ये फंड कितना रिस्क ले रहे हैं, तो एक्सिस स्मॉल कैप में जो एक नेगेटिव चीज दिखती है अभी कि इसने टोटल सिर्फ 79% पैसा ही अपना इक्विटी में इस वक्त लगाया हुआ है, लगभग 19% पैसा ये अभी इसने डेट में लगाया हुआ है, यानी कि कैश में रखा होगा या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इसने पैसा लगाया होगा। तो वो चीज यहां पर एक कंसर्न आने वाले टाइम में साबित हो सकती है अगर ये लंबे टाइम तक ये जो पैसा है इसको कैश में रखता है।
उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा सारे ही फंड्स अब धीरे धीरे अपनी जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में कम कर लिए है। तो हालांकि इससे पहले जब हमने 3 महीने पहले ये कंपैरिजन वीडियो बनाई थी तो लगभग सभी फंड्स स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं अब इनकी जो एलोकेशन है वो कम हो गई है। सबसे अलग स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट की कौन स्मॉल कैप फंड की दिखती है, यहां पर इन्होंने 22% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा दिया है। दोस्तों होता यही है कि जब एक फंड कोई कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता है तो जब उसको मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है कि एक स्मॉल कैप फंड 22% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा देता है ताकि उसका जो फंड है वो कम गिरे, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक साल में 2% की रिटर्न है और 6 महीने में -11% की रिटर्न है। तो कौन स्मॉल कैप में डेफिनेटली अभी यही दिख रहा है कि प्रेजेंटली फंड को समझ नहीं आ रहा है कि क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए जिससे ये जो डाउनसाइड मार्केट है इसमें वो अपने फंड की जो रिटर्न्स हैं उसको सेफगार्ड कर सके। उसके अलावा यहाँ पर निपन इंडिया स्मॉल कैप में भी आपको देखने को मिलेगा कि 12% पैसा लार्ज कैप में इसने लगाया है। इनका रीजन ये है कि इसका जो फंड का साइज है वो इतना ज्यादा बन गया है, 18,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है, तो इनको वो जो एडिशनल पैसा है उसको स्मॉल कैप में एक लिमिटेड पैसा ही आप लोग लगा सकते हैं, तो वो जो एडिशनल पैसा है उसको लार्ज कैप में लगाना पड़ रहा है। तो 12% पैसा इस फंड ने भी लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं कैनरा बैंक को स्मॉल कैप में दोस्तों स्मॉल कैप में 48% पैसा, मिड कैप में 40% और लार्ज कैप कंपनीज में सिर्फ 5% पैसा यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं। अब रिस्क रेशियोज की दोस्तों अगर बात कर लें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, यानी कि कंसिस्टेंसी जिस फंड की ज्यादा अच्छी होगी उस फंड स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में जैसे कि हमने अभी ऊपर यहां पर देखा था कि जो एक्सिस स्मॉल कैप की रिटर्न्स है वो काफी कंसिस्टेंट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन सभी फंड्स में सबसे अच्छा स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप का अभी भी नजर आता है। उसके बाद कोटक स्मॉल कैप की हमने बात की थी, यहां पर भी आपने कंसिस्टेंसी देखी थी, तो वही चीज यहां पर भी रिफ्लेक्ट होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में कोटक स्मॉल कैप भी यहां पर ठीक परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा आप ये चारों फंड्स देखेंगे तो वहां पर थोड़ी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हायर साइड पे दिखती है। वहीं दोस्तों शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो हमें ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। शार्प रेशो में भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड यहां पर सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद आपका नंबर आता है क्वांट स्मॉल कैप का और उसके बाद कैनरा बैंक स्मॉल कैप। तो अगर आप यहां पर सभी पैरामीटर्स पे देखते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड इन सभी फंड से कंसिस्टेंसी में बेटर दिखता है। एक्सपेंस रेशो भी इसकी अच्छी है, जो एसेट एलोकेशन है वहां पर एक थोड़ा रिस्क बस आता है कि इन्होंने लगभग 19% पैसा अपना कैश में रखा हुआ है, वो भी हो सकता है शॉर्ट टर्म अगर रहेगा तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज को पार्क किया तो हो सकता है इनकी रिटर्न्स पे आपको इंपैक्ट आते हुए दिखे। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। इस मामले में अगर आप देखेंगे दो फंड्स को हाईलाइट करूंगा यहाँ पर, कौन स्मॉल कैप जिसकी जो टर्नओवर रेशियो वो 98% की है और जितनी ज्यादा टर्नओवर रेशियो होती है इसका मतलब ये है कि फंड बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता है, तो ये फंड इस मामले में भी खराब दिखता है। हालांकि धीरे धीरे इस फंड की जो टर्नओवर रेशो है पिछले 2-3 सालों में वो कम हुई है, पहले एक टाइम ऐसा आ गया था कि 300-400% तक की टर्नओवर रेशो इसकी हुआ करती थी, जो अभी गिरकर 98% के आसपास आ गई है, तो उस एंगल से ये अच्छा है। मैं कोटक स्मॉल कैप की टर्नओवर रेशो सिर्फ 8% की है, इतनी कम टर्नओवर रेशो ऐसी मार्केट में थोड़ा एक कंसर्न आपके लिए हो सकता है कि मार्केट में कुछ कंपनीज हों जो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करें उसके बाद भी फंड उसमें चेंजेस ना करें। तो ये दो फंड्स हैं जिनकी एक की बहुत ही ज्यादा टर्नओवर रेशियो है और एक फंड की बहुत ही कम टर्नओवर रेशियो है। तो दोस्तों ये थी इन सारे फंड्स की डिटेल। अब इन डिटेल्स के बेसिस पे हम एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फंड यहाँ पर सबसे अच्छा दिखता है। तो देखिए 5-year रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप ने अच्छी रिटर्न्स दी है, सभी फंड्स ने अच्छी रिटर्न्स दी है। अगर आप 5 years की रिटर्न्स की बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सिस स्मॉल कैप की दिखती है।
उसके अलावा कोटक स्मॉल कैप की भी ठीक ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी है, लेकिन उनके अलावा जितने भी ये फंड्स हैं सबकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत खराब यहाँ पर दिखती है। मार्केट एलोकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही फंड्स ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप मिड कैप में मेजर पैसा लगा रहा है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाया हुआ है और इसकी टर्नओवर रेशो भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर वेरी हाई रिस्क एसोसिएट हो जाता है अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे। एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशो में सभी फंड्स की एक्सपेंस रेशो ठीक लगती है, SBI स्मॉल कैप और निप्पन इंडिया स्मॉल कैप की हायर साइड पे दिखती है। स्टैंडर्ड एविएशन के मामले में भी सबसे अच्छे यहाँ पर दो ही फंड्स दिखते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप। शार्प रेशो के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो मेजरली आप देखेंगे शार्प रेशो के मामले में एक्सिस स्मॉल कैप अच्छा है, क्वांट स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप, ये तीनों फंड्स यहाँ पर अच्छे लगते हैं। टर्नओवर रेशो में दोस्तों ये दो फंड्स जो हमने पहले बात की थी कंसर्न रखता है, कोटक स्मॉल कैप जिसकी टर्नओवर रेशो बहुत ही ज्यादा कम है, क्वांट स्मॉल कैप जिसकी टर्नओवर रेशो बहुत ही ज्यादा है, बाकियों की सबकी टर्नओवर रेशो के हिसाब से भी ठीक लगते हैं। अब दोस्तों अपनी वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं और इन सभी फंड्स को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप फंड, सभी मामले में अभी भी ये फंड लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन सभी फंड से हर पैरामीटर में ये फंड यहाँ पर अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहा है, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। SBI स्मॉल कैप में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है जो आज से कुछ साल पहले तक दिखा करती थी, इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा हायर साइड पे है, एक्सपेंस रेशो भी हायर साइड पे है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि ऐसी फ्लक्चुएटिंग वोलेटाइल मार्केट में ऐसे फंड्स में पैसा लगाने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है जहां पर लमसम आपको अलाउड नहीं हो, क्योंकि मार्केट जब बहुत ज्यादा गिरती है तब लोगों का होता है कि हमारे को एक थोड़ा बहुत लमसम कर सकते हैं या टॉपअप कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको SBI स्मॉल कैप में नहीं मिलती है। तो ये एक SBI स्मॉल कैप की बात है। कोटक स्मॉल कैप एक एवरेज फंड दिखता है सभी मामले में, ना तो बहुत ज्यादा अच्छा ये दिखता है ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी की बात करें, मार्केट कैप की बात करें, तो एक ठीक फंड यहां पर नजर आता है जो एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको रिटर्न्स दे सकता है। कौन स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, तो यहां पर मैं तो आपको हमेशा कौन स्मॉल कैप को अवॉइड करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि यहां पर हमने देख लिया है कि एक साल में सिर्फ 2% की रिटर्न है, जहां पिछले साल 88% की, उससे पिछले साल 75% की रिटर्न थी, तो कंसिस्टेंसी जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो इस फंड में नहीं है। एक स्मॉल कैप फंड अगर 22% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाएगा तो एक उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है उस पर थोड़ा डाउट होने लगता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, हालांकि इसकी जो रिस्क रेशियोज है वो ज्यादा यहां पर दिखती है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये फंड्स अभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आ रहा है पिछले लंबे टाइम से, तो मुझे लगता है अगर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, एक अच्छी कंसिस्टेंसी ये फंड दिखा रहा है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी एक अच्छी ये आपको दे रहा है। कैनरा स्मॉल कैप फंड एक नया फंड निकल के आया है जिसने पिछले 2-3 सालों में अच्छी रिटर्न्स दी है, सारी चीजें इस फंड की अभी अच्छी दिख रही हैं, बस एक दिक्कत है कि अभी लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस जज करना इस फंड की मुश्किल आपको यहां पर होगी, हालांकि जो 2-3 सालों में इसने रिटर्न्स दिए वो काफी अच्छी यहां पर देखने को मिलती है और इसकी जो रेशोज है वो भी काफी एंकरेजिंग दिखती है। उसके साथ साथ कैनरा बैंको म्यूचुअल फंड हाउस के भी जितने भी फंड्स हैं वो अभी भी अच्छा कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी इसके साथ एक अच्छी बात है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 साल का अपना टाइम हॉरिजॉन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए, और आपको ऐसे पीरियड के लिए भी तैयार रहना है जब आपको एक लॉन्ग टर्म में 2-3 साल 4 साल तक नेगेटिव रिटर्न्स तक भी देखने को मिलती है। इन सब चीजों को समझकर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए और जो फंड की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट का तरीका आपको बेटर लगता है आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। मैं अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं खुद एक्सिस स्मॉल कैप फंड में काफी लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको जो भी फंड इनमें से अच्छा लगे आप उन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने यहां पर कोशिश की कि इन सभी फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो आपको यहां पर एक्सप्लेन कर सकूं। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। और अगर आप तो दोस्तों ऑडियो बुक सुननी है तो कुकू FM का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा कोड यूज करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।